नमस्ते दोस्तों, कुकिंग विद रूपाली में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है छिपकली और कॉकरोच। ये चीजें ऐसी हैं कि इन्हें देख के खासतौर पर महिलाएं और बच्चे डर के मारे भाग जाते हैं। वैसे तो छिपकली को शुभ माना जाता है, उसका घर में पाया जाना लक्ष्मी जितना ही शुभ होता है। फिर भी हमें छिपकली को देख के टेंशन आ जाता है, कब ये घर से निकले ऐसे होता है। तो आज हम देखेंगे कुछ ऐसे उपाय जो छिपकली को सटीक तरह से घर के बाहर का रास्ता दिखाएंगे। सबसे पहला उपाय है लहसुन। लहसुन की पेस्ट बनाकर आप इसे एक छोटी सी स्प्रे बॉटल में पानी के साथ मिक्स कर रखें और जहाँ जहाँ पे आपको लगे कि छिपकली आती है वैसी जगह, जैसे कि दीवारों के कोने, स्टोर रूम या फिर किचन और बाथरूम, इन जगहों पर दिन में 3 से 4 बार इसे जरूर छिड़के। लहसुन की स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि छिपकली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। दूसरा उपाय है काली मिर्च। आप काली मिर्च की पाउडर बनाकर इस पाउडर को भी पानी के साथ मिक्स करें और इसे भी बॉटल में भर के जहां जहां पे आपको लगे छिपकली आती है उन सारी जगहों पर स्प्रे करें। काली मिर्च का स्वाद भी छिपकली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और इसकी स्मेल भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, उसी की वजह से वो घर के बाहर दौड़ती हुई चली जाएगी। मगर इस उपाय को भी आप दिन में 3 से 4 बार जरूर करें। तीसरा उपाय है अंडे। जो लोग अंडे खाते हैं वो अंडा खाने के बाद उसके छिलके को ना फेंकें। इसे भी जहाँ पे छिपकली आती है वहाँ पे रख दें। पर एक बात का ध्यान जरूर रखें कि छिलका जो है वो हर 2 से 3 दिन में आप बदलें। इससे छिपकली जल्दी आपके घर को बाय बाय कर देगी। चौथा उपाय है प्याज। प्याज को भी आप काट कर पानी के साथ मिक्स करें या फिर प्याज का जूस बना के इसे भी बॉटल में डालें और उसे भी छिपकली आने वाली जगहों पर स्प्रे करें। प्याज का ये सबसे बड़ा और जालिम उपाय है। इसकी स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे छिपकली कभी भी घर की ओर बढ़ेगी नहीं। अब ये कुछ ऐसे उपाय थे जिन्हें बनाओ और बार बार स्प्रे करो। मगर अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है तो आगे के उपाय जरूर अपनाएं। मोरपंख, ये एक ऐसा उपाय है जिससे छिपकली को डर लगता है। पर आप एक बात का ध्यान जरूर रखें कि मोरपंख जो है वो काफी पुराना ना हो, क्योंकि पुराने मोरपंख से मोर की खुशबू चली जाती है। तो अगर आपके आजू बाजू मोर पाए जाते हैं या फिर किसी के गांव से मिल जाते हैं तो इसका प्रयोग जरूर करें। घर की खूबसूरती भी बढ़ती है और छिपकली भी भाग जाती है। आप सभी को फिनाइल की गोली पता ही होगी, इसे मराठी में डांबर गोली भी कहा जाता है, जिन्हें हम कपड़ों में डालकर रखते हैं। इसकी भी स्मेल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि इसकी वजह से भी छिपकली वापस नहीं आएगी। अब अगर इन सारे तरीकों से अभी भी आपके घर की छिपकली कम ना हो तो एक जालिम उपाय, वैसे तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करती क्योंकि अच्छा नहीं लगता इसे मारना, पर जिन्हें इसे करने में हिचकिचाहट नहीं है तो वो ये उपाय जरूर आजमाएं। कॉफी पाउडर ले, उसी के साथ साथ तंबाकू को भी एक कटोरी में लेके पानी की सहायता से इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएं और छिपकली आने वाली जगह पर इसे रख दें। देखिए, इन गोलियों को खाकर छिपकली जो है वह मर जाएगी, क्योंकि ये मिश्रण एक जहर का काम करता है। तो ये थे छिपकली भगाने के उपाय और कुछ नुस्खे। अब देखते हैं कॉकरोच को कैसे भगाएं। कॉकरोच भी एक बड़ी समस्या है, इनसे बीमारी ज्यादा फैलती है, खास तौर पर बच्चे इसका शिकार बनते हैं। कॉकरोच इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं कि क्या बताएं, हम तो बस केमिकल स्प्रे मार मार के थक जाते हैं। उसी के साथ इस केमिकल स्प्रे के साइड इफेक्ट भी बहुत सारे होते हैं। अगर गलती से भी आपने किसी फ्लोर पे या फिर ऐसी जगह पे मारा जहाँ पे बच्चे अक्सर आया जाया करते हैं, और गलती से भी अगर ये स्प्रे बच्चों के मुंह में चला जाए तो माय गॉड कितनी बड़ी आफत आ जाएगी। तो देखते हैं
बिना केमिकल स्प्रे का उपयोग किए सटीक तरह से कॉकरोच को घर से बाहर कैसे भगाएं। रात को सोने के वक्त एक बर्तन में शक्कर की चाशनी बनाएं। याद रखें, चाशनी जो है पूरी तरह से गाढ़ी होनी चाहिए। फिर एक बोतल ले जो कि लंबी हो। इस बोतल में तले में यानी कि बॉटम में बनी हुई चाशनी डालें। इसी के साथ साथ अंदर की तरफ भी साइड से आप चाशनी को डाल के फैलाएं, ताकि रात को जब अंधेरा हो और सारे कॉकरोच बाहर आए, शक्कर की मीठी खुशबू की वजह से वो बोतल में चले जाएंगे। चाशनी गाढ़ी होने की वजह से सारे कॉकरोच अंदर में ही चिपक जाएंगे और बाहर नहीं आ सकेंगे। इसके बाद वाला उपाय है बेकिंग पाउडर का। बेकिंग पाउडर और चीनी, इन दोनों को आप पानी की सहायता से मिक्स करें और इसे भी एक स्प्रे बॉटल में डाल के रखें। इस स्प्रे को भी उन सारी जगहों पर डालें जहां पे कॉकरोच आते हैं। आप सभी को पता होगा, मार्केट में माउस ट्रैप बहुत ही आसानी से मिलता है। रात को सोने के वक्त इस माउस ट्रैप को खोलें और ऐसी जगह पर रखें जहां पे ज्यादातर कॉकरोच आते हैं। माउस ट्रैप पर एक चिकना सा यानी कि स्टिकी प्लेटफॉर्म होता है, इसके ऊपर कॉकरोच आने के बाद वो चिपक जाएंगे। इसके बाद आता है तेज पत्ता। अब तेज पत्ता जो है बहुत ही खुशबूदार होता है, सभी को अच्छा लगता है, खाने का स्वाद दुगना कर देता है। मगर इस तेज पत्ते की जो खुशबू है कॉकरोच को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, तो तेज पत्ते की पाउडर बना के इसे भी उन सारी जगहों पर छिड़क दें जहां जहां पे कॉकरोच आते हैं। उसके बाद आता है केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, इसकी स्मेल कॉकरोच को बहुत ही ज्यादा परेशान कर देती है। तो एक स्प्रे बॉटल में केरोसिन ऑयल को डालें और इसे भी जहां जहां पे लगे वहां वहां पे स्प्रे कर दें। हमारे घर का महत्वपूर्ण हिस्सा किचन होता है, पर वहां पे ही ज्यादा कॉकरोच पनपते हैं। किचन के सिंक में से बहुत ज्यादा कॉकरोचेस घर में एंट्री करते हैं। हम घर में कितने भी उपाय करें, यहाँ वहाँ पे स्प्रे करें, पर वो एक ऐसी जगह है जहाँ से नए नए कॉकरोच हर रोज हमारे घर में आते ही रहते हैं। इसके लिए आप एक जाली वहाँ पे लगाएं, बहुत ही आसानी से और सस्ते दरों में मार्केट में आपको ये मिल जाएगी, जिसकी वजह से एटलीस्ट घर में नए कॉकरोच तो आना बंद हो जाएंगे। उसके बाद आता है एक बहुत ही जालिम उपाय जो है अमोनिया। ये आपको बहुत ही आसानी से कोई भी केमिस्ट की शॉप में मिल जाएगा। अब क्या करें, एक कप अमोनिया ले और एक बकेट पानी ले। इस पूरी बकेट में एक कप अमोनिया डालें और रात को आप जब भी किचन का क्लीनिंग करके सोने के लिए जाएं, उससे पहले आप बनाए हुए इस मिश्रण को सिंक के यहाँ पे, इसी के साथ साथ टॉयलेट या बाथरूम, इन सारी जगहों पे डालें जहाँ जहाँ से कॉकरोचेस घर में एंट्री करते हैं। इससे क्या होगा, ये मिश्रण पाइप में जाने की वजह से वहाँ पे जितने भी कॉकरोचेस हैं वो उधर के उधर ही खत्म हो जाएंगे और ऊपर नहीं आएंगे। अब एक बहुत ही सिंपल उपाय, एक ग्लास पानी ले लीजिए, उसमें डालिए किसी भी तरह का लिक्विड सोप, डिशवॉशर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसी पानी में डाल के इसका मिश्रण बना के इसे भी स्प्रे बॉटल में भर के रख, जब भी आपको कॉकरोचेस दिखे उनके ऊपर आप ये स्प्रे कर सकते हो। इससे क्या होता है, कॉकरोच जो है वो सांस नहीं ले पाएंगे। कॉकरोच जो है वो अपनी त्वचा से सांस लेते हैं, इस स्प्रे की वजह से उनके जो पोर्स है वो सारे बंद हो जाते हैं और वो उधर ही मर जाते हैं। अब एक और सिंपल उपाय, घर में कॉफी तो मोस्टली होती ही है, कॉफी के दाने थोड़े थोड़े से जहां जहां पे कॉकरोचेस आते हैं वहां वहां पे छिड़के, इन्हें खाकर कॉकरोचेस मर जाएंगे। अब सबसे लास्ट वाला उपाय वो है लवंग। इसकी आप पाउडर बना के जहां जहां पे कॉकरोचेस आ रहे हैं वहां वहां पे छिड़के। लवंग की स्मेल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि कॉकरोच को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो वहां से देखिए जल्दी ही भाग जाएंगे। तो अगर आप सभी को आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज, ये थे कुछ ऐसे सिंपल उपाय छिपकली और कॉकरोच को आपके घर से परमानेंटली बाय बाय करने के लिए।